माता बंगला मुखी का ये मंदिर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के नलखेड़ा कस्बे में लखुंदर नदी के किनारे स्थित है। ये मंदिर तीन मुखों वाली त्रिशक्ति बंगला देवी मंदिर माता को समर्पित है। बता दें कि मान्यता है कि द्वापर युग से चला आ रहा ये मंदिर अत्यंत चमत्कारी भी है। इस मंदिर में विभिन्न राज्यों से तथा स्थानीय लोग भी एवं शैव और शाक्त मार्गी साधु संत तांत्रिक अनुष्ठान के लिए आते रहते हैं। यहाँ बंगला मुखी के अतिरिक्त माता लक्ष्मी, कृष्ण, हनुमान, भैरव तथा सरस्वती की मूर्तियां भी स्थापित हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत में विजय के उद्देश्य से भगवान कृष्ण की सलाह पर युधिष्ठिर ने की थी। मान्यता ये भी है कि यहाँ पर बंगला मुखी प्रतिभा स्वयंभू है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख है, जिसमें एक बंगला मुखी है। माँ भगवती बंगला मुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। विश्व में इनके सिर्फ 3 ही महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सिद्धपीठ कहा जाता है। ये मंदिर उन्हीं में से एक बताया गया है। माँ पीताम्बरा सेवा समिति के माध्यम से नवरात्रि के 9 दिन तक प्रतिदिन दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था है वो काफी सराहनीय है। प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था माता रानी की कृपा से संचालित की जाती है। वहीं 9 दिनों तक यहाँ अनुष्ठान यज्ञ किए जाते हैं, जिसमें सफलता के लिए विजय के लिए यहाँ पर यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं। वहीं इसी कड़ी में मठ मेला मंदिर के अध्यक्ष श्री मखन सिंह चौहान ने भी यज्ञ अनुष्ठान कर देश प्रदेश की खुशहाली समृद्धि के लिए यहाँ पे यज्ञ हवन पूजन किया। ये आज माँ बगला मुखी के प्रांगण में आपके द्वारा पूजन पाठ किया गया है, क्या प्रदेश वासियों के लिए क्या मनोकामनाएं आपके द्वारा की गई है कि इस उपलक्ष्य पर ये यज्ञ का आयोजन किया गया है? अपने देश का ये नवरात्र महापर्व है जिसमें शक्ति की साधना होती है, और वह शक्ति हमको जब मिलेगी माता से तो हमारे द्वारा लोक कल्याण के काम होंगे। हमारी कामना माता से हमेशा एक ही है कि राष्ट्र भारत जो है यह महान बने, यह शक्तिशाली बने, संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला बने। इसके लिए जो भी इसके सामने आने वाली समस्याएं बाधाएं हैं सारी समाप्त तो होकर के मार्ग प्रशस्त करे माता, यही कामना करता हूँ। पीताम्बरा सेवा समिति द्वारा यह भंडारा संचालित किया जाता है। अमावस के दिन से 9 दिन तक कंटिन्यू भंडारा चलता है, जिसमें मिनिमम 40 से 45 हज़ार श्रद्धालु पर डे भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। इसमें मिनिमम 75 कार हलवे लग रहे हैं, जिसमें 25-30 लेवर लग रहे हैं, 40 हलवे लग रहे हैं और 40-45 भाई लग रही है बनाने वाले, भोजन बनाने वाली। भोजन की व्यवस्था की जाती है, ये 1,21,000 रुपये हम सहयोगकर्ता से लेते हैं एक दिन के भंडारे वाले से, बाकी का माता जी सब पूरा कर देती है। कोई भी श्रद्धालु एक दिन का सहयोगार्थी बन जाता है, उसके बाद सब माता जी भंडारे से पूरा कर देती है। सभी लोगों द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा सहयोगार्थी प्रदान की गई है। कंटिन्यू 9 दिन तक चलता है। दिनेश राठौर, सुबह 10 बजे कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन में करीबन 500-600 कन्याओं आती है, उनका डेली पूजन, उनको गिफ्ट देना। उसके बाद 11 बजे आम भंडारा चालू हो जाता है, जो रात को 12-1 बजे तक कंटिन्यू भंडारा चलता है, जिसमें दाल मिलेगी, बाफला मिलेगा, रोटी मिलेगी, पूरी मिलेगी, कड़ी मिलेगी, चावल मिलेगा, एक मीठा एक नमकीन। ये प्रथा जो है महाभारत कार्यकाल के टाइम से चली आ रही है। जब पांडवों का जब अज्ञात वर्ष हुआ था तो उस समय यहाँ पर माँ बगला मुखी प्रकट हुई थी और माँ ने उनको वरदान दिया था कि युद्ध होगा और युद्ध में आपकी विजय होगी। तो ये जो हवन होता है ये विजय प्राप्त के लिए होता है, जब से प्रथा चली आ रही है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति हवन करते हैं उसमें 100% उसको विजय प्राप्त होती है, और यहाँ किसी प्रकार से ऐसा कोई जादू टोना नहीं है। ये साक्षात यज्ञ नारायण के साक्षी होकर हवन पूजन होता है और माता रानी उनको वरदान देती है कि उनका जो है बिल्कुल विजय संकल्प पूर्ण होता है।